नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो भूतनाशक मंत्र की ये दो कॉमिक आई थी, अब दिल्ली दूर नहीं और दिल्ली इज नॉट फार अवे। आपने बहुत पसंद किया, बड़ा मजा आया और काफी एक्साइटमेंट के साथ हम भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 2 पे काम कर रहे हैं। तो मंत्रा वॉल्यूम 2 पे काम चल रहा है और नाम बता रहा हूं, मेरी दिल्ली मेरी जान, दिस इज मंत्रा वॉल्यूम 2। और कवर पेज पे काम कर रहे थे, कुछ कंसेप्ट आर्ट पे काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल हो जाए, जो बच्चे कॉमिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको बहुत बारीकियों से मैं बताऊंगा कि कैसे विजुलाइज करते हैं। स्टोरी ऑलरेडी है, थोड़ा मैड मैक्स टाइप का ही होने वाला है। चलो रिवील कर दिया थोड़ा सा। तो अभी हमारा हीरो देहरादून की पहाड़ियों पे है और उसको दिल्ली जाना है, तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, ट्यूटोरियल होने वाला है, कवर पेज बना रहे थे, मैंने सोचा स्क्रैच टू फिनिश की जर्नी में आप भी साथ रहो, आपके लिए कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, तो पेंसिलिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ थंबनेल्स बना लिए थे और फिर मैंने उसको हल्का सा स्क्रिबल करने के बाद थोड़ा फाइनल किया, फिर उस पर मैंने बॉल पेन कर लिया। बॉल पेन क्योंकि एक बार स्कैन करते हैं तो एकदम एक एक लाइन जो फाइनल लाइन है वो क्लियर दिखता है। फिर एक थोड़ा सा कंपोजिशन बनाया जिसपे मेन दो कैरेक्टर्स हैं ऊपर, एक मंत्रा और द विलेन। फिर ये मैंने डिजिटली कर लिया पीछे वाला, जस्ट स्क्रिबल है, उसे एक बार मेरे माइंड मेकअप हो जाता है कि कंपोजिशन में क्या करना है। सिंपल कंपोजिशन रखे हैं और ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है लोगों के लिए, टेक्स्ट के लिए। फिर इंकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। मेरे अपने ब्रशेस हैं, मैं जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं वो नहीं यूज़ करता, ये मैंने खुद से क्रिएट किए हैं इंकिंग के लिए। और एकदम बिल्कुल जैसे जो ट्रेडिशनल होता है वही डिजिटल है, बस टूल्स का ही फ़र्क है। तो मैं बहुत डिटेल कर पाता हूँ क्योंकि डिजिटली हम उसको बड़ा कर लेते हैं ड्राइंग को, और ट्रेडिशनली वो जितना दिखता है आँख में, जितनी क्षमता है उतना ही करते हैं। तो मैं थिक एंड थिन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कुछ स्ट्रोक्स मैं बड़े वाले जो स्ट्रोक्स हैं वो पेन टूल से ले लेता हूँ, उसमें अनडू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितना भर भर के डिटेल्स आप डाल सकते हैं डाल लीजिए, और पर्सपेक्टिव वगैरह चेक करते चलने एक बार फिर। तो और फोटोशॉप पे मैं एक स्क्रीन डाल देता हूँ जिससे वो ब्लू पेंसिल हो जाती है, और अच्छा है ये भी। मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडियम में, और क्योंकि मेरा कंसेप्ट आर्ट और गेम ऐसे डिज़ाइन कर रहा था इतने दिनों से सिंगापुर में। देखिए ये जैसे बड़े स्ट्रोक्स हैं वो एक बार मैं पेन टूल से ले लेता हूँ, और उसके बाद फ्री हैंड ही है, मतलब जैसे क्रोकिल निब से करते थे या ब्रश से करते थे, इससे भी क्रॉस हैचिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और कवर पेज है, हालांकि जितना डिटेल मैं कवर पेज पे करता हूँ उतना ही आर्ट वर्क के अंदर एक एक पैनल में करता हूँ, और इसमें मैंने कलरिंग भी मुझे ही करनी थी। तो पहले किसी ज़माने में जब हम लोग इंकिंग करते थे तो बहुत सारा ब्लैक मतलब शैडो भरते थे, और हम डिपेंड नहीं करते थे जो कलरिंग वाले पे, क्योंकि खाली एक ग्रेडियंट कलर या फ्लैट कलर होता था। तो मुझे हम लोगों को उतनी ब्लैक या शैडो वगैरह डाल के इंकर को देना पड़ता था, इंकर नहीं मतलब कलरिंग के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा स्कोप रखते हैं कि कलर से हम कितना काम कर सकते हैं, तो वो ब्लैक शैडो वाली कहानी अब वो थोड़ी ख़त्म सी हो रही है जब से डिजिटल इंकिंग आई है। और यही है फ़र्क डिजिटल और ट्रेडिशनल इंकिंग में, कि आप इसको इनलार्ज करके और सारे डिटेल्स बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। और इसमें जितने मैकेनिकल प्रॉप्स हैं, जैसे कि ये जो गोल आप देख रहे हो या जो इसके मास्क है, उसके लिए हम पेन टूल ही यूज़ करते हैं, तो एक एकदम सीधा लाइन मिल जाता है। जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं वो डिजिटली ज़्यादा अच्छे होते हैं, कर्व ज़्यादा अच्छे होते हैं, ओवल शेप, सर्कुलर शेप। तो वो कैरेक्टर हो गया मेरा विलेन का। अभी मैं मंत्रा कर रहा हूँ, बहुत कम स्ट्रोक्स लेते हैं पेन टूल से, क्योंकि
हर बार फ्री हैंड करते हैं तो मोटे मोटे वाले जो स्ट्रोक्स हैं वो मैं पेन टूल से ले लेता हूँ, तो उसमें सांस रोकने वाली कहानी नहीं रहती जो ट्रेडिशनली करते थे उसमें। और पहले भी जब हम ट्रेडिशनली करते थे तो अंडू तो होता नहीं था, हाँ हम लोग वाइट पोस्टर कलर से थोड़ा सा टचअप कर लेते थे अगर कोई गलती हो गई तो। तो इसमें बहुत ही अपग्रेड होने से बड़े फ़ायदे हुए, हैचिंग वही है, क्रॉस हैचिंग वही है जो ट्रेडिशनली हम क्रोकिल से लेते थे या ब्रश से लेते थे। तो वही मैं चाह रहा था कि आप लोग भी देखें कि एक पूरा इंकिंग क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। अब ये मंत्रा का लोगो था, हर बार जो कंटूर लाइन होती है, कंटूर जिस तरह से उसके बॉडी शेप जा रही है उस तरह से वो लोगो रहता है, और मैं बड़ा एंजॉय किया इसको करते हुए। अभी भी जो पेंसिलिंग पार्ट पहले खूब मज़ा आया उसको करने में, अभी इंकिंग कर रहे हैं। अब आते हैं कलरिंग पे, तो मैं ये आप देख लीजिए, पहले मैं शैडो में चेक कर लेता हूँ कि सिलोवेट पे की कैरेक्टर कैसे लग रहे हैं, और दूसरे ये मतलब एक तरह का कलर ब्लॉकिंग है लाइट के लिए, मैं लुक एंड फील पहले डिसाइड कर लेता हूँ। तो ये सारे हमारे एक लेयर पे हैं अभी फ़िलहाल, जो ग्रे आप देख रहे हो, और मैंने बहुत कम कलर रेफरेंसेस मैं लेता हूँ क्योंकि इतना ट्रेडिशनल किया है इस वजह से हमको सुविधा होती है। हालांकि बहुत सारे लेयर बनाते हैं लेकिन मैं कभी कभी एक ही लेयर पे, जैसे कैनवस पे पेंटिंग करते हैं बिल्कुल वही मान के चलता हूँ कि चलो क्योंकि मुझे ही करना था तो मैंने सोचा कि चलो इसको पेंटिंग स्टाइल में करते हैं और कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये ब्रश भी मेरा ही है, ये मैंने क्रिएट किया था, ये थोड़ा सा फ्लैट सा ब्रश है, और ये बगल में मैंने मंत्रा इसलिए खोल रखा है कि मैं वो कलर रेफरेंसेस के लिए, कि मैं जो कलर पहले डाल चुका हूँ तो वो मंत्रा का एक पोस्टर था उसमें इंकिंग नहीं है जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक लाइट से मैं पहले जो ब्लॉकिंग है कि हाँ यहाँ पर लाइट पड़ेगी, और थोड़ा सैचुरेटेड कलर होते हैं क्योंकि रेड जो है उसको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आती है, उसके अंदर हाईलाइट ज़्यादा दिखता नहीं है अनटिल, और हर बार मैं ब्लैक की तरफ नहीं मूव करना चाहता। तो ये सब थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। तो और फिर ग्रीन है पीछे, तो सैप ग्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके मंत्रा के लिए, जो सेकेंड वाला रेफरेंस आप देख रहे हैं उसमें मैंने मंत्रा को सैप ग्रीन दिया है, वो एकदम ब्राइट जो प्रोमिनेंट जो रेड होता है वो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डीसेचुरेटेड थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ लाइट के हिसाब से, जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग मंत्रा पे आगे काम करना चाहते हैं, उनको उनके लिए एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बन रहा है ये, क्योंकि अब सारे कॉमिक मैं तो बना ही नहीं रहा, टीम बना रहा हूँ ताकि विनमिक्स के सारे प्रोडक्ट हम करें, मिलजुल के करें, देश के लिए कुछ करें। वैसे विनमिक्स जूनियर पे भी बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरा नंबर आपका भी हो। तो ये तो मेरे प्रोसेस चल ही रहे हैं बहुत दिन से, बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा फिर उसके ऊपर, उससे अच्छा है कि मैं इसको एक ट्यूटोरियल की तरह ही बना के रखूँ हर चीज़। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि किसी को अगर ट्रेनिंग करना है किसी कलर का स्टाइल का या किसी नए टाइप के जोनर का, तो मैं उनके लिए वीडियोस जो है वो अवेलेबल रहेंगी, उससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, और मेरी अवेलेबिलिटी नहीं भी रहेगी तो काम हम आगे करा सकते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर पे कलरिंग होती है, क्या होता है। और जो एकदम ट्रेडिशनल वे है जिस तरह से हम कॉमिक करते हैं उसको मैं कभी कभी फॉलो नहीं करता, मतलब इसमें मैं एक ही लेयर पे सारे कर रहा हूँ तो, क्योंकि वो मुझे करना था इस वजह से, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती, और लोगों को होती होगी। तो ये पहले मैं एक फ्लैट मूड के हिसाब से, जो एम्बियंस लाइट है उसके हिसाब से एक तरह का कलर ब्लॉकिंग कर रहा हूँ,
ये भी कलर ब्लॉकिंग है, ये अभी फिनिश्ड नहीं है, इसके अंदर मैं जस्ट कलर स्कीम डाल रहा हूँ कि हाँ कौन सा कलर कहाँ जाएगा, और उसके बाद आगे जो स्टेप होंगे उसके अंदर मैं उसके ऊपर लाइट वाइट के ऊपर ध्यान दूंगा, फिर उसके बाद फिनिशिंग टच जो भी होता है। तो ये कुछ जॉम्बी के खोपड़ी हैं, जिसको ये जो विलेन है वो एक तरह का मेडल की तरह यूज़ करता है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैंने इतने जॉम्बी मारे हैं। और ये जो जॉम्बी कार्ट है, ये जॉम्बी कार्ट मतलब स्टोरी के हिसाब से कुछ था दिमाग में कि अब पेट्रोल वगैरह बहुत ही रेयर है, तो जितनी दूर गाड़ी पेट्रोल से चल सकती है वो चलेगी, अदरवाइज़ जॉम्बीज सिक्योरिटी के लिए भी हैं कि ये विलेन हमारा आगे जा रहा है उसके बाद जॉम्बी। अच्छा, फिर ये जो स्किन टोन था जॉम्बी का, मैं इसको थोड़ा सा रॉटेन स्किन बनाना चाह रहा था कि तो रॉटेन स्किन में और ऊपर से लाइट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है वो भी आ रहा है, तो दिमाग में चलता रहता है कि क्या कलर ले के चलूँ, और मुझे बहुत जो चिकना चिकना हम लोग कर देते हैं बहुत ज़्यादा, वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा पेंटरली तो लगना ही चाहिए। तो अब देखिए आप कितना मैं छोड़ देता हूँ, लाइट को कितना ध्यान रखते हैं, और बहुत ज़्यादा स्मूथ मुझे पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक लगने लगता है कि आज से 30 साल पहले जैसे काम कर रहे थे वही आज भी है, तो फिर कुछ फ़र्क तो हुआ नहीं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके, और टाइम लगता है, मतलब ये नहीं है कि एकदम से बैठे और बना दिया। अब जैसे ये मेटल का ये मैं बना रहा था तो इसके लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ा, मैं जाके गूगल पे देखा कि हाउ टू पेंट मेटालिक कलर। तो अब ये जॉम्बीज हैं, सबके अलग अलग बेस कलर हैं, किसी का कुछ थोड़ा सा ग्रीनिश है, थोड़ा सा पिंकिश है। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल स्टार्ट से फिनिश तक आपको दिखाने की कोशिश करी, मैं आपको दिखा दूं फिर से एक बार, रिपीट कर देता हूं। तो ये बेसिक आइडिया था, मैं कहीं सोफे पर बैठा था, इस तरह से ब्रश पेन से थंबनेल बनाया, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने पूरी पेंसिलिंग करी। तो ये जो जॉम्बी कार्ट आप देख रहे हैं उसमें ये पहले थंबनेल था मेरा, और उसको मैंने रिफाइन किया, उसके अंदर एक्सप्रेशंस डाले और जेस्चर को बहुत ही स्ट्रांग किया। ये पहले आइडिया था, दिस इज द फाइनल, और ये कंसेप्ट था जिसको मैंने क्योंकि मैं गेमिंग इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, तो गेम एसेट्स बनाता हूँ और 3D के लिए मॉडल के लिए टर्न अराउंड बनाने होते हैं। तो ये कैरेक्टर का ये प्रॉप हो गया। तो ये है इंकिंग जो आपने देखा, मैंने ऐसी प्लेस होल्डर है, ये लोगो मेरी दिल्ली मेरी जान फिर से लेआउट होगा, ये भूतनाशक मंत्रा 2। तो ये थी इंकिंग, और ये मैंने डिजिटल इंकिंग करी है, 15 साल मैंने ट्रेडिशनल करी, अब अपग्रेडेड हूँ, डिजिटल करता हूँ, तो थोड़ी सुविधा भी होती है, थोड़ा दिक्कत भी होता है, लेकिन मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है, आई डोंट हैव टू होल्ड माय ब्रेथ फॉर इंकिंग। तो ये हमारी इंकिंग हो गई, और ये हो गया मेरा कलरिंग। अभी एकदम लास्ट मिनट जब हमारा फाइनल प्रिंट से पहले जाएगा तो मैं 1 घंटा लगा के इसके अंदर थोड़ा बहुत टचअप कर दूंगा। और ये हो गई कलरिंग, थोड़ा सा मैंने अलग सा किया है कलर, आपने देख ही लिया, और थोड़ा बहुत काम रह गया इसके अंदर। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो मंत्रा के साथ, बिकॉज ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम देहरादून टू मेरी दिल्ली मेरी जान, वॉल्यूम 2, भूतनाशक मंत्रा, जय हिंद।